अंकल कैसी लगी मूवी? अच्छी पिक्चर है। क्या अच्छा लगा मूवी? एकदम फर्स्ट क्लास पिक्चर है। पंजाब में तो सिल्वर जुगली हुई है। क्या बात है। हाँ, गोली लगती है वो ठीक हो जाता है। गाने भी अच्छे हैं इसके। एक्टिंग एक्टिंग के बारे में? पंजाबी गाने हैं पूरे। डायलॉग क्या है उसका, क्या नाम है, जिंदा हो जाता है, गोली उसको लगती है ठीक हो जाता है, फिर पैरों के चलने चालू हो जाता है। पिक्चर अच्छी है। हिम्मत नहीं उस बच्चे ने छोड़ा, अपनी हिम्मत से कैसे उसने अपने आप को ठीक किया और फिर उसी मैदान में आके जीता। बहुत ही अच्छी लगी हमको तो। मैं तो 5 दूंगी। तो बॉबी भाई कैसी लगी? सुरमा पिक्चर काफ़ी अच्छी पिक्चर है। एकदम ट्रू स्टोरी है और काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मतलब अच्छी फिल्म बनाई है। और ये पिक्चर का जो हीरो है दलजीत, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। तपसी पन्नू ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। कुलभूषण करबंदा, विजय राज मोजेस, इसमें विजय राज का कुछ कॉमेडी है। वो कॉमेडी अच्छा किया है और कोच बने, लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया विजय राज ने। और उसको सपोर्ट भी अच्छा किया मोजेस ने, कुलभूषण करबंदा, सतीश कौशिक, अंगद बेदी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन जो पिक्चर का मेन हीरो दलजीत, उसने बहुत अच्छा काम किया है। क्या क्या सीखने मिलता है इंस्पिरेशन? मतलब यू नेवर लूज होप इन लाइफ, सबसे यही पिक्चर से सीखने मिलता है। किस तरह आदमी व्हील चेयर पर चला जाता है, फिर किस तरह हॉकी का कैप्टन बनता है, वो देखने लायक है। लेकिन फिल्म काफ़ी हिस्सा फिल्म का सलमान खान की फिल्म सुल्तान से मिलता जुलता है। वो जो शुरू का जो आधा घंटा है वो सुल्तान ही लगता है। कोई डायलॉग पिक्चर में से? डायलॉग तो उतना कुछ ठीक है, एवरेज डायलॉग है पिक्चर के। कॉमेडी डायलॉग है ना, बिहारी हूँ माथे पे थूक, हाँ माँ थूक के माथे पे छेद बना दो, वैसा कुछ डायलॉग है तो काफ़ी अच्छा लगे। वही सब बोलते थे हॉकी से तो देश तो क्या घर नहीं चलता है, हॉकी प्लेयर्स के तो देश क्या चलेगा। मतलब हॉकी तो नेशनल गेम, उसको गवर्नमेंट को मतलब सपोर्ट करना चाहिए। उसको सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ क्रिकेट को ज़्यादा पैसे मिलते क्रिकेटर्स को, और जो हॉकी खेलते उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। क्या लगता है ये मूवी देखने के बाद? ये मूवी देखने के बाद तो लोगों को तो इंस्पिरेशन मिलेगी, शायद हॉकी का जो देखने का नज़र है वो भी शायद बदल जाएगा लोगों का। 5 पिक्चर को 5 में से 3.5। भाई ये फिल्म का संदीप सिंह जो ओरिजिनल हॉकी प्लेयर है उसके ऊपर ये फिल्म है। इसका जो किरदार निभाया दलजीत ने बहुत अच्छा निभाया। पंजाब की कहानी है जो भी अच्छा है, लेकिन एंटरटेनमेंट नहीं फिल्म में। कितनी मेहनत की थी, कैसे आगे आया, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, कितनी हॉकी से उसके मार खानी पड़ी, वो सब फिल्म में बताया। लेकिन फर्स्ट हाफ तक ठीक था, सेकेंड हाफ जब उसको गोली लग जाती उसके बाद पूरी फिल्म स्लो हो जाती है, एकदम स्लो ना। फिल्म में गाने हैं लेकिन बैकग्राउंड तापसी पन्नू है, लेकिन कोई इतना खास नहीं कुछ। क्या सीखने मिलता है? सीखने वाले तो अभी लोग अगर हॉकी के जो शौकीन है वो देख कर बोले गए तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत है इसमें। इसमें भी क्रिकेट की तरह ही सब है गड़बड़ी। क्या लगता है अभी ये मूवी देखने के बाद हॉकी को? नहीं नहीं, लोग राज्य ज़्यादा तजुबे तो वहाँ इसको ही देते, क्रिकेट को ही देते। हॉकी तो अपने पीछे ही है, सब गेम पीछे ही है, क्रिकेट ही आगे है। नहीं, मूवी देखने के बाद कुछ बदलेगा ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, क्योंकि इतना कुछ इतना बताया नहीं। जैसे उसमें रवि रज का एक डायलॉग अच्छा है, जब हॉकी खेलते हैं वहाँ गाँव में तो कुछ गुंडे लोग बंदूक लेके आते हैं तो कहते तमंचे अपने जेब में रख दे, मैं बिहारी हूँ, थूक कर छेद कर दूंगा। वो डायलॉग बढ़िया है। 5 में से कितना? 5 में से पिक्चर को 3।